कैसे हम बिना कैश के या लेस कैश के अपनी जिंदगी को तरक्की के राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। गरिमा को निखारने वाले, युवाओं के भविष्य को संवारने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी आपका। मंच पर विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भारतवासियों, आज वो समय है जब 10 दिशाओं में पूरे विश्व में भारत के पराक्रम का जयघोष गूंज रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के युवाओं की शक्ति, सामर्थ्य और सपनों को भारत का गर्व और ताकत बनाने के महान मिशन में लगे हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे सुशासन, ऐसे सुराज के लिए कटिबद्ध है जहाँ हर युवक को रोजगार मिले और हर हाथ को बेमिसाल बुलंद मिले। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कृपया विश्व स्तरीय भारतीय कौशल संस्थान कानपुर की शिलान्यास पट्टिका का अनावरण माननीय कृपया रिमोट का बटन दबाकर करें। हमारे बाएं हाथ की तरफ में अनावरण पट्टिका। भारतीय कौशल संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल इस विजन को साकार करने का प्रयास है। मेक इन इंडिया की राष्ट्रीय नीति को कार्य में परिवर्तित करने के लिए हमें उच्च स्तरीय कौशल केंद्र स्थापित करने की जरूरत है, जो आधुनिक औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप भारतीय युवाओं को प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम हो। हम दुनिया में सबसे अच्छे प्रशिक्षण संस्थानों से प्रेरित हैं, विशेषकर ITE सिंगापुर से, जो भारत में हमारे सपने को पंख देने के लिए एक सही आदर्श है। भारतीय कौशल संस्थान भवन की संरचना उड़ने के लिए तैयार पंखों जैसी की गई है। ये योजना युवाओं को कौशल विकास की तरफ प्रेरित करेगी। यहाँ लगभग 1.6 लाख वर्ग फीट में 10 हाईटेक प्रयोगशालाएं, जिसमें मेगाट्रॉनिक से लेकर उन्नत वेल्डिंग, मोटर वाहन प्रौद्योगिकी, राज्य और सेमिनार हॉल संस्थान में उन्नत डिप्लोमा कार्यक्रमों का शुरू किया जाना प्रस्तावित है। यहाँ छात्रों और मशीन का वास्तविक अनुपात इतना अनुकूल रखा गया है कि हर शिक्षार्थी को सीखने का अच्छा अनुभव मिल सकेगा। ये संस्थान भारी मशीनरी और उपकरणों के लिए आउटडोर प्रशिक्षण की सुविधा भी प्रदान करेगा। इस संस्थान में सौर ऊर्जा चलित विद्युत प्रणाली की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे शिक्षार्थियों के लिए व्यावहारिक शिक्षा सुगम हो। प्रथम चरण में इस तरह के 4 संस्थान बनाए जाने की योजना है। भारत सरकार इस तरह के इंस्टीट्यूट हर राज्य में चरणबद्ध तरीके से बनाने के लिए कटिबद्ध है, जिससे देश के युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिल सके और देश का विकास सुनिश्चित हो। भारत लगा हुआ है गढ़ने में एक नई तब्दील उभर रही है। भारत
भारत की एक नई तस्वीर। अब हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र युवाओं को उच्च स्तर का औद्योगिक प्रशिक्षण देगा, रोजगार बढ़ेंगे, सफलता और स्वाभिमान के आसमान पर युवक पंख लगाकर अब खूब उड़ेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया 31 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों पर प्रशिक्षण तथा इलाहाबाद के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का डिजिटली शुभारंभ करें रिमोट का बटन दबाकर। तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत के इसी जल सामर्थ्य को और समय के लिए और भारतीय युवाओं को अपने कौशल के स्तर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी धरोहर प्रदान कर रहे हैं जो आने वाले समय में भारत के स्किल्ड मैन पावर को विश्व में सर्वोत्तम कर देगा। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अथक प्रयास और अनेक ट्रेनिंग पार्टनर्स के सहयोग से देश के कोने कोने में आज 31 प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों और एक अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। देश में एक समान स्तर से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की ओर ये एक कदम है। हर सेंटर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऑडियो विजुअल उपकरणों और सिम्युलेटर ट्रेनिंग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंटरनेट की जानकारी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना, ई बैंकिंग जैसे जरूरी साधनों की भी जानकारी दी जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की ट्रेनिंग इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, यानी यहां युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरतों को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग दी जाएगी। करियर काउंसलिंग और प्लेसमेंट में सहायता भी प्रदान की जाएगी। हर महीने एक प्रमुख व्यक्ति से भेंट और अपने पाठ्यक्रम के दौरान एक इंडस्ट्री विजिट भी कराई जाएगी। आज 31 और कल देश के हर जिले में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले जाएंगे जो एक दिए जैसे देश के हर घर के भविष्य को प्रज्वलित करेंगे। रामपुर, गाजियाबाद, सब जगह से हम कनेक्ट हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्घाटन को ये सभी मूर्त रूप दे रहे हैं। जिंदगी के रास्ते आसान हो, मंजिलों तक पहुंचना सुनिश्चित भी हो और सुरक्षित भी, हर हुनर मंजिल हासिल करे। अब वाहन चालकों की बेहतर जिंदगी और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया सीकर, विजयवाड़ा और कोयम्बटूर में वाहन चालक प्रशिक्षण स्कूल का डिजिटली उद्घाटन करें रिमोट का बटन दबाकर। आकर्षक
विविध और विशाल देश, क्षमतापूर्ण तथा असीमित संभावनाओं से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में विकसित किया जाए। हम में से बहुत लोग होंगे जिनको एक बात का अनुभव आया होगा, यहाँ बैठे हो कभी न कभी अपने दोस्तों को कहा होगा कि आप देखो यार कोई अच्छा ड्राइवर मिले तो ड्राइवर नहीं। अब ये सवाल का जवाब हमें ढूंढना है कि देश में नौजवान है, बेरोजगार है और वो ड्राइवर के बिना परेशान, क्या हम रास्ता नहीं खोल सकते क्या? और इस पहल के एक हिस्से के रूप में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय देश भर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रमुख परियोजना की शुरुआत कर रहा है। पहले चरण में इस परियोजना के अंतर्गत देश भर में 100 केंद्रों की स्थापना करनी है। इस पहल के माध्यम से कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में 10 लाख लोगों को वाहन चालक के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना है। उम्मीदवारों को LMV, HMV और भारी उपकरणों के संचालन में प्रशिक्षित किया जाएगा। कुशल चालक एवं सड़क सुरक्षा की दिशा में ये एक नई शुरुआत है। हमसे जुड़ी एक नए भारत के निर्माण एक साथ। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम अनुनय करते हैं कि कृपया अत्याधुनिक तकनीक से बना पावर ग्रिड के 765/400 किलोवाट GIS कानपुर विद्युत उपकेंद्र और ट्रांसमिशन सिस्टम राष्ट्र को समर्पित करें। रिमोट का बटन दबाकर हमारे दाएं ओर ये पट्टिका मौजूद है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर कानपुर को विकास का जामा पहनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से पावर ग्रिड द्वारा कानपुर में GIS सबस्टेशन का निर्माण किया गया है, ताकि पूर्वी ग्रिड से उत्तरी ग्रिड के पश्चिमी छोर के बीच ये बिजली की आपूर्ति की दिशा में एक प्रवेश द्वार बन सके। उत्तर प्रदेश में लगातार कानपुर को ऊर्जा संपन्न बनाने के उद्देश्य से कानपुर में 765/400 केवी 3000 MVA के उच्च क्षमता वाले स्टेट ऑफ द आर्ट गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन की स्थापना की गई है। इससे कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में वर्तमान में ही नहीं अपितु अगले 8 से 10 वर्षों तक गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। कानपुर सबस्टेशन उत्तर प्रदेश में स्थित पिट हेड संयंत्रों के साथ ही उच्च क्षमता 765 केवी तथा 400 केवी लाइनों से जुड़ा है। जहां एक ओर ये वाराणसी से जुड़ा है, वहीं दूसरी ओर गया बलिया से। इस प्रकार ये राष्ट्रीय ग्रिड से अच्छी तरह से एकीकृत है। इतना ही नहीं, कानपुर सबस्टेशन देश की राजधानी दिल्ली की ओर भी बिजली के प्रवाह को भी सुगम बना रहा है। इस प्रकार ये सबस्टेशन कानपुर को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कर उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास को साकार करेगा। उत्तर प्रदेश को ऊर्जामय करने के लिए, राष्ट्रीय विकास की गतिमान धारा से उसे जोड़ने के लिए 1,446 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 443 किलोमीटर लंबी हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रेवाड़ी कानपुर पाइपलाइन राष्ट्र को डिजिटली समर्पित करने के लिए हम सादर आग्रह करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे। HPCL भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है, जो भारत के समग्र एवं सर्वांगीण विकास के लिए देश के आंतरिक इलाकों में पेट्रोलियम उत्पाद यथा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, रसोई गैस आदि के वितरण और आपूर्ति के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बढ़ती ऊर्जा की मांग और विकास की उज्जवल संभावनाओं को देखते हुए HPCL ने रेवाड़ी से कानपुर तक पाइपलाइन के निर्माण की परिकल्पना की। 1446 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 443 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन को 24 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया। अत्याधुनिक ऑटोमेशन एवं लीक डिटेक्शन से युक्त इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित कानपुर टर्मिनल में 21.8 करोड़ लीटर तेल संग्रहित किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण से पश्चिमी तट एवं उत्तर भारत स्थित रिफाइनरियों से उत्तर प्रदेश की परिवहन एवं औद्योगिक भाग की आपूर्ति में सक्षमता हासिल हुई है। HPCL की ये पाइपलाइन संरचना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक एवं सार्वजनिक विकास में एक विशिष्ट योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों द्वारा HPCL की ये परियोजना देश को समर्पित कर उत्तर प्रदेश की जनता की खुशहाली में एक और महत्वपूर्ण कदम जुड़ा है। विकास सूरज का रथ तो अब चल पड़ा है भारतवासियों, उजाले अब जरूर घर घर आएंगे। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना अब 2020 तक अप्रेंटिसशिप को 50 लाख तक पहुंचाएगी और उद्योग जो सीखने में मदद करेंगे उन्हें स्टाइपेंड और अन्य खर्चों में भारत सरकार भी मदद करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज इसका उद्घाटन किया जा रहा है। आइए देखते हैं इससे पहले एक फिल्म। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का शुभारंभ। युवाओं को कुशल बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सबसे उत्तम माध्यम है। अप्रेंटिस कार्यस्थल पर काम करते हुए न केवल सीखता है बल्कि वो ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड भी पाता है और एम्प्लॉयर को भी इस स्कीम से बहुत लाभ मिलता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई योजना नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम की शुरुआत की। इस योजना का मकसद अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग को बढ़ावा देना और अप्रेंटिसों की वर्तमान संख्या 2.3 लाख को बढ़ाकर 2020 तक 50 लाख करना है। जो ऊपर जाएं, उनकी तो सब प्रकार की चिंता होगी, लेकिन जो रह जाए उसकी भी तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। यह हमारा मिशन उन लोगों के लिए है जो रह जाते हैं। अगर चीन की पहचान दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की है तो हिंदुस्तान की पहचान दुनिया की रिक्वायर्ड ह्यूमन रिसोर्स की हब का कैपिटल बनने की बन सकती है। 4 वर्ष में 50 लाख प्रशिक्षित कार्यबल सृजित करने के लिए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए नियत किए गए। ये पहला मौका है जब भारत सरकार ने आगे बढ़कर इस नई पहल की शुरुआत की है। एम्प्लॉयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लेने वाले हर अप्रेंटिस को कम से कम प्रतिमाह 7,000 से 10,000 रुपए स्टाइपेंड दे रहा है। भारत सरकार प्रत्येक एम्प्लॉयर को इस स्कीम के अंतर्गत निर्धारित स्टाइपेंड का 25% या अधिकतम 1,500 रुपए प्रति माह प्रति अप्रेंटिस के हिसाब से दे रही है। बड़ी संख्या में युवा इससे जुड़ रहे हैं और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का लाभ उठा रहे हैं, साथ ही अपने विकास को एक नई गति दे रहे हैं। इस स्कीम के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल के कोर्सेज को भी जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा इस स्कीम का लाभ लेने के लिए ट्रेनीज पास्ड आउट फ्रॉम ITI कोर्सेज, स्कूल पास आउट कैंडिडेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। क्षेत्रीय और राज्य स्तर पर बड़े पैमाने पर इस स्कीम से युवाओं को जोड़ने के लिए काम हो रहा है। इस लाभ उठाकर युवा सफलता की नई इबारतें लिख रही है। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम युवाओं को कौशल से जोड़कर कुशल भारत बनाने के सपने को साकार कर रही है, उनके कौशल को निखार रही है, उन्हें जीने की नई राह दिखा रही है और कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रयासों को सार्थक कर रही है। हम सभी उद्योगों से अपील करते हैं कि वे इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएं
और कौशल भारत के भागीदार बने। योजना के साथ जुड़े 5 उद्योगों PSUs SUs को कृपया अपने द्वारा धनराशि के चेक्स प्रदान करके राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना का व्यवहारिक रूप से शुभारंभ करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ गुजरात राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन गुजरात से माननीय परिवहन मंत्री गुजरात श्री वल्लभ काकड़िया जी को। हम आपको बता दें कि 2400 अप्रेंटिस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत ये चेक 3 महीनों के लिए है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड श्री अतुल सोबती अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आमंत्रित कर रहे हूँ मंच पर। 3600 अप्रेंटिस को प्रशिक्षण दिया जा रहा है इनके अंतर्गत। HCL बेंगलुरु श्री टी सुवर्ण राजू अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1600 अप्रेंटिस को लिया गया है प्रशिक्षण के लिए। 2 तालियों से इनका स्वागत इनका अभिनंदन। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन कॉर्पोरेशन विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश श्री एम मालाकोलैया उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मंच पर आमंत्रित हैं। टाटा मोटर्स लखनऊ की तरफ से श्री ललित कुमार महाप्रबंधक HRER एवं प्रशासन 2500 अप्रेंटिस को लिया गया है प्रशिक्षण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ कई हुनर तो परंपराओं से निकले हैं। क्या हुआ अगर आपने हुनर का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है तो? राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क आपके हुनर का आकलन कर उसे तराशकर प्रमाणित करेगा। आइए देखते हैं सबसे पहले एक फिल्म, फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा व्यवहारिक तौर पर उसका उद्घाटन किया जाएगा। आइए देखते हैं एक फिल्म। प्रगति और विकास के नए आयाम छूता एक युवा देश, एक ऐसा देश जिसकी कुल आबादी का 65% हिस्सा 18 से 35 साल के बीच है। देश के युवाओं की आशा और हमारे प्रधानमंत्री जी के मजबूत इरादों का नतीजा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक विशाल लक्ष्य रखा, 2020 तक 1 करोड़ लोगों का कौशल प्रशिक्षण करना। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं का इस मिशन में भाग लेना बहुत जरूरी था और इसलिए कौशल विकास बन गया उत्तर प्रदेश का नारा। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा हिस्सा ऐसी जनसंख्या का है जो कि असंगठित उद्योगों कारखानों में सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कौशल प्रमाणित नहीं हैं और अपने कौशल की न्यायपूर्ण आमदनी नहीं कमा पा रहे हैं। PMKVY के अंतर्गत ऐसे लोगों के कौशल और अनुभव को मान्यता दी जा रही है और इस पहल का नाम है RPL रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग अथवा पूर्व कौशल और अनुभव को मान्यता कार्यक्रम। RPL के माध्यम से ये भी स्पष्ट होगा कि आप अपने काम और अनुभव के बल पर भी कुशल बन सकते हैं और इसके साथ आपको बेहतर तरीके से काम करने की, बोलचाल की, उत्पाद बढ़ाने की और उद्यमशीलता की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही साथ डिजिटल साक्षरता पर भी ट्रेनिंग दी जाती है जो कि कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ मजबूत कदम है। RPL का स्किल सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि उम्मीदवार अपने पेशे में कुशल है। उत्तर प्रदेश में मार्च 2017 तक 1 लाख युवाओं को RPL के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा और इन युवाओं के सपनों को एक नई उड़ान दी जाएगी। कौशल भारत, कुशल भारत। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया अलग अलग क्षेत्रों के हुनरमंदों को RPL प्रोजेक्ट के तहत कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करें। 4 सालों से कानपुर में कंपनी में खुदरा बिक्री सहायक है। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इन्हें कौशल प्रमाण पत्र प्रदान करें।
आकाशवाणी से मैं मंजू जी की शुभकामनाएं हैं। श्रीमती सुनीता देवी कानपुर में ही सड़क खाद्य विक्रेता है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमल द्वारा कौशल प्रमाण पत्र हासिल कर रही है। मंच पर गावर है जनाब मोहम्मद अकील, उन्नाव में 10 सालों से जो एक कंपनी में फुटवेयर यानी जूते चप्पल के सिलाई कारीगर हैं। उन्नाव में बढ़ई का काम करते हैं, लकड़ी के फर्नीचर बनाते हैं। ये सभी अपने अपने कामों में दक्ष हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उन्हें कौशल प्रमाण पत्र हासिल हुआ यानी सोने पे सुहागा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि हमारे युवा मात्र भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए विकास का इंजन बन सकते हैं। विकास की यही गर्वगाथा आगे बढ़ाने के लिए आज कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के NSDC के साथ कुछ उद्योगों के बीच समझौता दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही की उपस्थिति में आप ही के आशीर्वाद में सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट से जनाब मुख्तारुल अमीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को समझौता दस्तावेज प्रदान के लिए। इस समझौते के अंतर्गत उत्तरी क्षेत्र में एक साल में लेदर क्लस्टर के 50,000 को प्रशिक्षित किया जाएगा। आने जाने रुकने के खर्चों के साथ 90% प्रमाणित कैंडिडेट्स को रोजगार भी दिया जाएगा ₹1,000 प्रति माह वेतन पर। इंडियन टेक्सटाइल फेडरेशन सचिव आपको आमंत्रित कर रही हूँ। आने जाने रुकने की व्यवस्था जाने रुकने के साथ 50,000 से ज्यादा कामगारों को ज्यादा लोगों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 90% कैंडिडेट को कम से कम ₹10,000 वेतन रोजगार दिया जाएगा। आमंत्रण है श्री भावी अग्रवाल को जो कि अग्रवस्थापक है। प्रत्येक एक साल में 1,00,000 ड्राइवर उद्यमियों को तैयार करने के साथ तैयार 100 करोड़ तक लगाने के लिए समझौता किया गया। 3,00,000 प्रशिक्षित होंगे। अडानी फेडरेशन श्री जतिन त्रिवेदी कंपनी का प्रमुख एक साल में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 40,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा जिसमें से 70% को अलग अलग सेक्टर से रोजगार भी मिलेगा। 2022 तक 3,00,000 लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध। और एशियन पेशेंट श्री जगत डनी प्रेसिडेंट एक साल 3,00,000 लोगों को पेशियों में प्रशिक्षित किया जाएगा जिनमें से 45,000 को उद्यमी बनाने का भी समझौता किया गया है।